पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरा खुश है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। किस तरह से आप लोग आज हम लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता में सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप बताइए क्या सब हमारे आदरणीय पशुपति पारा जी जीते हैं, हमारे तहे दिल से शुभकामना। अब हमारे दलित नेता के उत्थान करेंगे, हमें पशुपति पारा पिता समान है, उनका सदा हवाई रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। आइए हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन लग रहा है कि आज पशुपति कुमार पारस जी केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और हम नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में पारस जी को मंत्री बनाए हैं। आप सीधा देखें कि खबरों के साथ बने रही, यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सुना जा रहा है। खबरों के साथ बने रही कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।